तिगमगढ़ जिले के जतारा उपजेल में भाई दूज के पावन पर्व पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर राह पर चलने के लिए एक लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। बता दें कि तिगमगढ़ जिले की उपजेल जतारा जेल अधीक्षक आशीष सुखारे ने बताया है कि वरिष्ठ कार्यालय आदेशानुसार उपजेल जतारा में स्थानीय एवं बाहरी स्थानों से आई बहनों की भाई दूज पर मिलन करवाया गया है। उपजेल जतारा आशीष सुखारे ने बताया है कि करीब 13 बंदियों की 43 बहनों से मुलाकात कराई गई, जहाँ बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया है। वही भाई ने बहनों को उपहार के रूप में आगे अपराध नहीं करेंगे एवं अपराधों से दूर रहने का आश्वासन दिया। इस प्रकार जेल अधीक्षक ने मुलाकात करने आई बहनों का सम्मान किया है। वही बहनों ने जतारा उपजेल अधीक्षक आशीष खरे जी को धन्यवाद दिया। आइए क्या कहती हैं बहनी भाई दूज पर, वही क्या कहते हैं उपजेल अधीक्षक आशीष खरे। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की खास रिपोर्ट। अच्छा, आज भाई दूज का पर्व है और आप लोगों ने मुलाकात की है भाइयों से, तो आपको कैसा बीती लगा? जी अच्छा लगा। आपको ये तो पता नहीं है कि कब तक वो बाहर आएंगे, लेकिन मुलाकात की तो अच्छा लगा। भाइयों का क्या उपाय दिया, मैंने क्या आपने संदेश दिया भाइयों को? जी यही दिया, आपको जल्दी निकलवा लेंगे बाहर। और आशीर्वाद सर। आज भाई दूज का पर्व था और उपजेल जतारा में कितने कैदी आपके यहाँ पर आए, क्या रहा? आज हमारे यहाँ पे वर्तमान में 43 बंदी परिरुद्ध हैं और आज भाई दूज का त्यौहार है, तो मुख्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार आज खुली मुलाकात कराई गई और सब जेल जतारा में 13 बंदियों से उनकी 43 बहनों की मुलाकात अभी तक हो चुकी है और बहनें आ रही हैं तो वैसे ही अपन मुलाकात करा रहे हैं और आज उन्होंने बढ़िया अपने भाइयों को तिलक लगा के वो किया है, भाई दूज का त्यौहार मनाया और भाइयों ने भी बहनों को वो दिया है कि हम भविष्य में बाहर निकल कर कोई अपराध नहीं करेंगे, हैं, और नेक इंसान बन के दिखाएंगे।